गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई नो दैट कि टुडे योर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास बट आज हम आपकी ग्रामर क्लास लेंगे इंग्लिश ग्रामर ओके सो आपकी ग्रामर का सेकेंड लेसन और पेज नंबर सिक्स ओके सो पहले मैंने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पढ़ा दिए थे है ना आज फिर हम इनको रिवाइज़ कर लेंगे आपकी ग्रामर की बुक में और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने एक एक दो दो आपके लिए फ़िल कर दिए और फिर आप उसे कंप्लीट कीजिएगा ओके सो निशा इज गोइंग टू द मार्केट विथ हर मदर निशा जो है अपनी माँ के साथ मार्केट गई हुई है लुक एट हर शॉपिंग लिस्ट उसकी शॉपिंग लिस्ट देखते हैं अपन शॉपिंग लिस्ट में क्या है फोर एप्पल्स हैं टू टूथब्रशेस है टू नाइफ्स हैं सिक्स ओनियंस है सिक्स एट बनानाज हैं ट्वेल्व टोमेटोज हैं और सिक्स पेंसिल्स हैं और टेन स्पूनस हैं अब आपने देखा कि इनके आगे नंबर लगे हुए हैं मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है है ना क्वांटिटी ज़्यादा है तो पीछे क्या हो गया है एस या ई एस लग गया है है ना सो व्हेन वी वॉन्ट वेन वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग वी एड एस और ई एस टू द नाउन जब भी हम uh, चाहते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ें हो या हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं उनमें एस या ई एस का प्लस कर लेते हैं एड कर लेते हैं नाउन के साथ ओके जैसे नाउन हमारी अगर एप्पल है तो एप्पल के साथ एस या ई एस जोड़ लेना ओके सो वन एप्पल और अगर फोर एप्पल हैं तो क्या हो जाएगा एप्पल्स है ना? वन पेंसिल सिक्स पेंसिल्स वन टूथब्रश टू टूथब्रशेस, वन टमेटो ट्वेल्व टमेटोज है ना जैसे एप्पल पेंसिल टूथब्रश एंड टमेटो आर सिंगुलर नाउन ये सारी सिंगुलर नाउन है लेकिन एप्पल्स पेंसिल टूथब्रशेज एंड टमेटोज आर प्लूरल नाउन ये जो एस और ये जब हमने लगा दिया तब ये क्या बन गई प्लूरल नाउन बन गई मतलब सिंगल से ये प्लूरल बन गई है ओके सम प्लूरल आर डिफरेंट कुछ जो प्लूरल होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते, होते हैं अलग होते हैं वेन वर्ड्स एंड इन एफ आर एफ ई जिन शब्दों के बाद में एफ या ई एफ ई आता है वी फ्रॉम द प्लूरल प्लूरल्स लाइक दिस और उन्हें हम इस तरह से बनाते हैं जैसे शेल्फ हुआ तो शेल्फ में क्या कर देंगे हम प्लस में वी प्लस ई एस वी भी जोड़ेंगे अब एफ़ की जगह हम क्या जोड़ेंगे वी जोड़ेंगे ओके okay? और ई एस तो आना ही है सो so, एफ काटा वी जोड़ा और ई एस क्या बन गया शेल्स ओके नाइफ नाइफ़ में एफ ई है तो एफ ई काटा वी जोड़ा और ई एस डाल दिया क्या बन गया नाइफ्ज़ ओके okay? इधर हो गए टू शेल्स हो गए इधर फाइव नाइव हो गए ओके okay? इसी तरह से इफ वर्ड एंड्स इन वाई वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई एस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ शब्दों के अंत में वाई आता है उस वाई को हम ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह हम क्या लिखते हैं आई एस वाई हटा देते हैं और आई एस यूज करते हैं जैसे चेरी चेरी में वाई हटिया और प्लस हमने क्या कर दिया आई ई एस है ना तो क्या बन गया चेरीज ए बॉक्स ऑफ चेरीज अब सिटी सिटी में भी वाई को हमने हटा दिया आई ई एस प्लस किया तो क्या बना सिटीज अब क्या बन गया मेनी सिटीज अब आपकी एक्सरसाइज ए देखिए काउंट एंड राइट द नेम्स ऑफ द आइटम्स इन द पिक्चर आपको इन पिक्चर में से आइटम को गिन गिन कर लिखना है जैसे यहाँ इन्होंने ऑलरेडी ट्वेल्व पोर्टेटोज गिन लिए इधर ए बॉक्स ऑफ चेरीज जो ये बॉक्स ऑफ चेरीज लिखा हुआ आपकी आ, आ, बुक में जो है फ़ोटो दी गई है ओके अब इधर हमने कप गिने हैं तो कितने कप हैं वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी फोर फोर कप हैं है ना और इधर प्लेट जो हमने गिनी है तो कितनी है वन टू तो टू प्लेट्स हैं ओके तो आप इसी तरह से इन चीज़ों की क्वांटिटी गिन के लिखेंगे जैसे बाउल है नाइव्स हैं और ब्रेड है बॉटल्स है बॉक्सेस uh, है और ग्लास है है ना अब आ जाएंगे हम पेज नंबर एट पर एक्सरसाइज नंबर टू अंडरलाइन द नाउन इन द पोएम एंड से वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल जैसे टू लिटिल सिस्टर्स तो ये क्या हो गया प्लूरल इसके इस पर क्या लिखेंगे पी वेंट वॉकिंग वन डे पार्टली फॉर एक्सरसाइज पार्टली फॉर प्ले है ना वो दोनों कहाँ गई वॉकिंग करने गई एक दिन और थोड़ी थोड़ी देर में वो एक्सरसाइज भी कर रही थी और थोड़ी देर में खेल भी रही थी दे टुक विथ देम काइट्स काइट्स के यहाँ क्या करेंगे आप प्लूरल लगा लेंगे है ना पी लगा लेंगे विच दे वॉन्टेड टू फ्लाई अब क्या करना चाहती हैं वो काइट्स उन्होंने काइट को देखा और वो उसको उड़ाना चाहती हैं वन ए बिग सेंटीपेड सेंटीपेड जो है वो एक ही नाम है इसलिए सेंटीपेड को आप क्या कर लेंगे सिंगुलर कर लेंगे ओके वन ए ग्रेट बटरफ्लाई बटरफ्लाई भी क्या है सिंगुलर है तो उस पर एस कर लेंगे देन अप इन ए मोमेंट द काइट्स काइट्स को वापस से पी करेंगे फ्लोटेड हाई जब उन्होंने एक सेंटिपेड जैसी काइट देखी और एक बटरफ्लाई जैसी काइट देखी तो वो उन्हें उड़ाने लगी और जोर 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 से हवा में ऊंची जाने लगी ओके लाइक ड्रैगन्स दैट सीम्ड टू बी टचिंग द स्का जैसे वो जो सेंटिपेड वाली पतंग जो ऐसी लग रही थी जैसे ड्रैगन हो और वो आसमान को छूना चाहती हो है ना ड्रैगन्स ड्रैगन्स के यहाँ वापस से आप पी लगा लेंगे ओके okay? Complete दिस सेंटेंस विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स इसमें मैंने आपके जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए थे उनमें एस या ई एस का यूज कर दिया है ओके ये मैंने आपकी कंप्लीट कर दी है ये आप डाल लीजिएगा आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ ज़्यादा चीज़ें होती है वहाँ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं ओके जैसे शी प्लगड सम एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल उसने तोड़े से तोड़े पेड़ से है ना प्रेम बाउट फोर प्रेम ने ख़रीदे चार टूथब्रशेज देयर आर टू टमेटोज़ इन द बास्केट और बास्केट में कितने टमाटर हैं दो शी कैरिड बॉक्सेज ऑफ चेरीज टू द मार्केट अब चेरी का क्या बना लेंगे हम चेरीज बना लेंगे उसने मार्केट से कितने कुछ बॉक्सेज जो हैं चेरीज़ के खरीदे आई फिल्ड वाटर इन ऑल द ग्लासेस पान मैंने ग्लासों में क्या किया पानी भरा आई गेव सम मिल्क टू द थ्री पपीज मैंने तीन पपी को जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको दूध दिया है ना द बटरफ्लाइज लुक ब्यूटिफुल तितलियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं दिखने में या दिख रही हैं ही फिक्स टू शेल्स ऑन द वॉल उसने क्या किया या वह कर रहा है दो अलमारियों को दीवार के तरफ फिक्स कर रहा है ओके okay? एक्सरसाइज नंबर फोर जो है आपकी वो क्या करना है आपको इन आइटम्स को गिनना है और लिखना है है ना और काउंट एंड राइट द नेम एंड नंबर्स ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ फर्नीचर इन द पिक्चर ओके और एक्सरसाइज नंबर फाइव जो है उसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल निकालना है ओके okay? जैसे यहां थीप है तो थीव हो गया कीटन होगा तो कीटन हो जाएगा है ना बर्ड है बर्ड्स होगा ब्रशेज है तो ब्रश हो जाएगा सी है तो सी होगा और क्लैव है तो क्लैव होगा और बॉक्स है तो बॉक्स हो जाएगा ओके okay? सो so, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा ग्रामर का नेक्स्ट में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन को आप पहले से थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे ओके चिल्ड्रन थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे और ये जो होमवर्क है वो आप मुझे पर्सनली सेंड कीजिएगा और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ट्वेल्व uh, थर्टी के बाद में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू